नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का एक प्रसिद्ध एवं बहुत बड़ा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, सिंधु नदी अपवाह तंत्र एशिया का बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है, तो आइए वीडियो पर शुरुआत करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील, तिब्बत के मानसरोवर झील से गोखुरचू हिमानी से इसका उद्गम हुआ है। दोस्तों, आपको मैप के माध्यम से बता दूं, ये हमारा मानसरोवर झील तिब्बत में है, तो यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है और ये जम्मू कश्मीर से लेह शहर से होते हुए यह पाकिस्तान में प्रवेश करता है और ये धीरे धीरे पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में मिल जाता है। दोस्तों, इधर भारत की पश्चिम साइड अरब सागर है और पूर्वी साइड बंगाल की खाड़ी है। और एक चीज बता दूं दोस्तों, ये क्षेत्र जो है हमारा जम्मू कश्मीर का पीओके कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये क्षेत्र एलओसी, और ये क्षेत्र अक्साई चीन कहलाता है। तो दोस्तों, इस पर चीन कब्जा किया हुआ है और ये पाकिस्तान पाक अधिकृत क्षेत्र आता है। क्लियर है? तो ये हमारा है मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकला हुआ है। दोस्तों, यहां पर है हमारा राकसताल झील, यहां से निकलता है सतलज नदी। दोस्तों, ये सतलज नदी 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर बहता है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश होते हुए यह पंजाब होते हुए सिंधु नदी में मिल जाता है। यह है हमारा सतलज नदी और यहां से एक नदी निकलता है झेलम नदी, यह श्रीनगर होते हुए ये आगे बढ़ता है, यह पंचनद में मिलता है। दोस्तों, उसके नीचे जस्ट है चीनाव नदी, यह हिमाचल प्रदेश से चीनाव नदी निकलता है और इसमें झेलम नदी मिलता है, ये झेलम और ये चीनाव। उसके बाद एक है रावी नदी। दोस्तों, रावी नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकलता है और यह चीनाव में मिल जाता है, रावी। उसके बाद दोस्तों, एक है ब्यास नदी। ब्यास नदी भी दोस्तों यहां से निकलता है, ब्यास नदी सतलज में मिल जाता है। ये मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सियोक, ये दोस्तों सियोक नदी है, सियोक में नुब्रा नदी मिलती है, तो सियोक यहां मिल जाती है। उसके आगे गिलगित, यह भी सिंधु नदी में मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक नदी अफगानिस्तान से आती है, काबुल, यह भी सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी में प्रमुख पांच नदियां मिलती हैं जिनको पंचनद कहा जाता है, पंचनद। ये पांचों नदी मिलकर पंजाब में ये पंचनद कहलाती है, तो देखते हैं कौन कौन सी नदियां मिलकर पंचनद बनाती हैं। तो सबसे पहला है झेलम नदी। झेलम नदी आती है दोस्तों और ये चीनाव में मिलती है, झेलम नदी चीनाव में मिलती है, फिर चीनाव आगे बढ़ते हुए पंचनद में मिलती है। उसके बाद दोस्तों, एक है रावी नदी। रावी नदी भी चीनाव में मिलती है, क्लियर है? उसके बाद राक्षसताल से सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी की एक सहायक नदी है ब्यास नदी, जो ब्यास कुंड से निकलती है और यह पंजाब में हरिके बैराज के पास इनका संगम होता है।
फिर ये नदी आगे जाकर पंचनद में मिलती है, तो ये यहाँ से पंचनद नाम उसका परिवर्तन हो जाता है, पंचनद आगे बढ़ के सिंधु नदी में मिल जाती है। और सिंधु नदी की लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। आइए दोस्तों सिंधु नदी अपवाह तंत्र के नोट्स पर एक नजर डालते हैं। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील तिब्बत से हुआ है। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर, बाकी पाकिस्तान में बहती है। और इसकी सहायक नदियां हैं सियोक, गिलगित, नुब्रा, काबुल, पंचनद। दोस्तों ये पंजाब की पांच नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये पांचों नदी मिलकर पंचनद कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारा झेलम नदी। झेलम इस नदी का उद्गम बेरीनाग झरना से हुआ है, बेरीनाग झरना झेलम। और कश्मीर के श्रीनगर और वुलर झील में बहती है। झेलम नदी श्रीनगर और वुलर झील में बहती है। दोस्तों वुलर झील को हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे पिछले वीडियो में, भारत की प्रमुख झीलों को। और झेलम की लंबाई है 725 किलोमीटर और यह चिनाब में मिल जाती है, मतलब चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट हमारा चिनाब, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा धाराओं के मिलने से बनती है। तो हिमाचल प्रदेश में चंद्रा धारा और भागा, चंद्रभागा बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में, तो दो धाराओं से मिलकर चिनाब नदी बना है। और इसका उद्गम जो है बड़ा लचा दर्रा और लाहौल स्पीति को माना जाता है। और इसकी कुल लंबाई है 1800 किलोमीटर, चिनाब की लंबाई 1800 किलोमीटर और भारत में इसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर, बाकी पाकिस्तान में बहती है। और यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब नेक्स्ट है हमारा रावी नदी। इसका उद्गम जो है कुल्लू की पहाड़ी रोहतांग दर्रे के पास से हुआ है। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर, यह चिनाब की सहायक नदी है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। इसका उद्गम ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास, रावी और ब्यास रोहतांग दर्रे के पास से निकलती हैं दोनों नदियां। इसकी लंबाई भी है 770 किलोमीटर, रावी ब्यास लगभग मिलता जुलता है। और यह सतलज नदी में मिल जाती है हरिके बैराज के पास। नेक्स्ट हमारा है सतलज नदी। इसका उद्गम जो है मानसरोवर झील के समीप एक राक्षस ताल है, वहां से होता है सतलज नदी का उद्गम। इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर और यह 400 किलोमीटर सिंधु के समांतर बहती है, सिंधु नदी के समांतर 400 किलोमीटर बहती है। तो दोस्तों ये है हमारे सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु जल समझौता। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवादित रहने वाला सिंधु नदी जल समझौता पर एक नज़र डालते हैं। सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ और इसका तिथि है 19 सितंबर 1960 को हुआ। उस समय भारत के पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। और तात्कालिक समय में विश्व बैंक के तात्कालिक अध्यक्ष यूजिन रॉबर्ट ब्लैक, इन तीनों के हस्ताक्षर से यह सिंधु जल समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत भारत को रावी ब्यास सतलज ये तीन नदियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। रावी ब्यास सतलज हमारे जो पंचनद का, रावी ब्यास सतलज भारत को प्राप्त हुआ और पाकिस्तान को सिंधु नदी सबसे ऊपर का और झेलम और चिनाब नदियों का स्वामित्व प्राप्त हुआ। ऊपर साइड के उत्तर दिशा के तीन नदी सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाब को पाकिस्तान को दिया गया और नीचे का तीन रावी ब्यास सतलज को भारत को मिले। तो इन नदियों पर भारत का अधिकार है और इन नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। इसके पानी को हम लोग रोक नहीं सकते, भले ही विद्युत उत्पादन करके पानी को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो यह था प्रमुख सिंधु जल समझौता के महत्वपूर्ण बिंदु।
ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंधु नदी अपवाह तंत्र और सिंधु जल समझौता। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।